फिल्म का नाम है पंगा, आप फिल्म में इसलिए पंगा है? पंगे की अब मुझे लगता है आदत सी हो गई है, पंगे के बिना रहा नहीं जाता। कंगना जब पिछली बार आई थी जजमेंटल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी हिली हुई हूँ, एकता कपूर भी थोड़ी हिली हुई है, मैं भी थोड़ा हिला हुआ हूँ। हिले हुए लोगों को लोग शादी करने से डरते हैं, जैसे मेरे को तो एक रिश्ता आया, मैंने हाँ कर दी, पर मैं सोचता हूँ कंगना आप इतनी सक्सेसफुल हैं, आपको तो बहुत रिश्ते आते होंगे। आपको हमेशा मेरी शादी में बड़ा इंटरेस्ट है। ऋचा आपसे एक बात पूछनी है, आपसे जो फोटोशूट है, मैं आपका इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, आप बड़े फैन है ऋचा को, आप स्टॉक करते हैं आप सोशल मीडिया पे, मेरी शादी की चिंता करते हो, उसको स्टॉक करते हो, मतलब क्या होता है, ऐसा होता है शादीशुदा आदमी? हाँ। इसी ट्रेलर में जो कंगना आपको सोते सोते लात मार रही है जी, तो एक टेक में ओके हो गया था वो? के नहीं, उसके बाद आप सिकाई भी कर रहे हैं। मुझे वो जाके घर पे करनी पड़ी थी, एक तरफ ज्यादा लग जाना तो एक साइड बड़ी हो जाती है। कंगना की ना एक तो फिल्मों में मैंने देखा है, एक रोमांटिक सीन जरूर होता है या एक आध किसिंग सीन भी, मतलब ऐसे कुछ भी? अरे था एक दो फिल्मों में जैसे, तो आपके हिस्से में कुछ आया कि खाली पिछवाड़े पे लाती पड़ी? आपके बारे में ये फायदा कि बचपन से ही आपको लाइफ में जो करना है बड़ा करना है आपने पहले से सोच रखा था, इसलिए आपको स्कूल में प्यार भी अपने से बड़े टीचर से हुआ था। ऋचा एक अफवाह आपके बारे में है कि आमिर खान जो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, वो पहले आपको ऑफर हुई थी। नीना जी आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको किसी कवि सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनने का ऑफर आता है तो आप मना कर देती हैं क्योंकि बधाइयों के बाद आपको कविता सुनने से डर लगता है।